मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेताई दिसई धरनी गगन बीच तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मेरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है।